Hi guys, I'm Preeti Singh, working as a radiation safety officer with Ganesh Diagnostics. आज हम MR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे. हम ये जानेंगे कि ये टेस्ट क्या है, किन क्लिनिकल इंडिकेशन में ये टेस्ट कराया जाता है और इसका प्रोसीजर एंड आफ्टर केयर क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. सो MR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ नॉन इन्वेसिव इमेजिंग मोडालिटी जो हमें टिश्यू के कॉम्पोनेंट्स के बारे में बताता है यूजिंग मैग्नेटिक एंड रेडियो वेव्स. तो हम जानते हैं किस क्लिनिकल इंडिकेशन में हम ये करते हैं. बेसिकली अगर कोई एपिलेप्सी है पेशेंट को तो ये टेस्ट कराया जाता है. अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है, मसल डिस्ट्रॉफी है, हार्ट डिजीज़ है, ये सारी कंडीशन में हम MR स्पेक्ट्रोस्कोपी पेशेंट को एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स. अब हम जानते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है. इसका प्रोसीजर लाइक जैसे कि और MRI जैसा कराते हैं वैसा ही है. इसमें एक स्पेशल तरीके का कॉन्ट्रास्ट पेशेंट को दिया जाता है. वो कंट्रास्ट देने के बाद कुछ आवर के लिए पेशेंट को वेट करना होता है, तब जब तक कि वो कंट्रास्ट लोकलाइज ना हो जाए जिस बॉडी पार्ट के लिए हमें इमेज करना है. एंड फिर उसके बाद पेशेंट को स्कैनिंग रूम में लिया जाता है. स्कैनिंग रूम में जाने से पहले पेशेंट का ये ध्यान रखा जाता है कि उसने कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट ना पहना हो, कोई भी ज्वेलरी, पियर्सिंग या फिर किसी भी तरह का मेटालिक ऑब्जेक्ट उस पर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए. फिर पेशेंट को टेक्नीशियन लाई डाउन कराता है ऑन अ स्कैनिंग टेबल. एंड फिर कॉइल, जो रिक्वायर्ड कॉइल है जिस ऑर्गन के लिए कराना है उस वो कॉइल प्लेस करके एंड पे स्कैनिंग की जाती है. स्कैनिंग के सीक्वेंसेस डिसाइड किए जाते हैं एंड स्कैनिंग लगभग हाफ एन आवर के लिए होती है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के लिए होती है. स्कैनिंग ख़त्म होने के बाद पेशेंट को स्कैनर से निकाला जाता है एंड कुछ आवर्स के लिए कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बोलते हैं. एंड हमारे टेक्नीशियन फिर इमेज को इंटरप्रेट करते हैं, फिल्मिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं. अब हम जानते हैं कि कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में. अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो इस स्कैन से पहले हमें बताना होता है ताकि हम सिडेशन के बाद आपका स्कैन स्टार्ट कर दें. प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए टेस्ट अलाउड नहीं है, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ आपको ये टेस्ट से पहले कन्फर्म करना होता है. ये दोनों आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है. इसके अलावा इस टेस्ट ये बहुत एक सेफ प्रोसीजर है. इसमें कोई भी तरह का रेडिएशन हैजार्ड या कुछ भी नहीं है. हमारे यहाँ गणेश डायग्नोस्टिक में ये टेस्ट किया जाता है. आप हमारे सेंटर पर पर्सनली आके विजिट करके टेस्ट बुक करा सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट गणेश डायग्नोस्टिक पर जाकर भी इसे बुक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.